हेलो बच्चों, मेरा नाम ईशान। आप देख रहे हैं ईशान सर लेक्चर। आज हम बात करेंगे मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर फोर पार्ट डेडिकेशन का श्रीधराचार्य लॉ। बच्चों, ये पार्ट टू ऑफ द वीडियो है जिसमें हमने श्रीधराचार्य लॉ को कवर करेंगे। पार्ट वन में हमने फैक्टराइजेशन मेथड कवर किया था। अगर आपको समझना है तो हमारे ईशान सर लेक्चर चैनल पर जाइए और पार्ट वन सर्च कीजिए, उसमें आपको फैक्टराइजेशन मेथड मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक की ओर बढ़ते अपने, जो श्रीधराचार्य लॉ है। ठीक है, श्रीधराचार्य लॉ। श्रीधराचार्य लॉ स्टडी करने से पहले आपको मैं बता दूं कि श्रीधराचार्य एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक आपका फॉर्मूला दिया था आपको अल्फा बीटा रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ आपको मैं फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको उसको साथ में साथ नोट्स में कॉपी करते हुए चलना है एंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल मैं आपको पूरा इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है बच्चों इसमें डी डी होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आती है इसमें डी होता क्या है। डी आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और डी की जो वैल्यू होती है आपकी होती है बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, तो पार्ट वन ऑफ वीडियो में देखिए, इसमें कंप्लीट डेप्थ में हमने बताया। वैसे आपको मैं बता दूं, इसमें जो ये बी ए सी लिए गए हैं, ये लिए गए हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में, जहाँ ए होता है कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जहाँ बी होता है कॉफिशियंट ऑफ एक्स, और सी आपका एक कॉन्स्टेंट नंबर होता है। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है, मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको कई बच्चों को पता हो, अगर नहीं पता है तो आप हमारे पार्ट वन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब डी की भी कुछ वैल्यू थी एक्चुअल में। बच्चों आपको बता दें, डी आपका जो नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करता है कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो रूट्स होंगे उसकी नेचर क्या होगी। ठीक है, तो आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये नोट करके आप लिख सकते हैं। अगर देखिए बच्चों, अगर आपका डी, पहली इन्फॉर्मेशन, अगर आपका डी क्या हो ग्रेटर देन जीरो, तो आपके होंगे क्या रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, दिख पा रहा हूँ आपको स्क्रीन में। सेकेंड है, डी अगर इक्वल टू जीरो हो तो आपके कैसे होंगे रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल मतलब दोनों जो रूट्स आएंगे निकल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो आपके क्या कहते हैं, वो होंगे इक्वल होंगे रूट्स। ठीक है, अगर डी लेस देन जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड आपकी थर्ड सेकेंड तो आप इजीली समझ जाएंगे। अगर डी इज लेस देन जीरो तो रूट्स कैसे आएंगे आपके, इमेजिनरी रूट्स आर अनरियल कह सकते हो, और इसे कहते हैं हम रूट्स आर इमेजिनरी। जो अनडिफाइंड रूट्स होते हैं रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स आर आपके इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, आपको दिख पा रहा होगा। ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी। तो अब हम बढ़ते अपने उसकी तरफ, फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, जो इसका फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य लॉ का, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी आपका प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, अपॉन 2A, ये आपका फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य लॉ जी ने जो दिया था आपको फॉर्मूला अल्फा बीटा रूट्स निकालने के लिए। आपको साफ साफ दिख रहा होगा हमारी स्क्रीन के अंदर। तो देखिए बच्चों, अब आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4AC किसकी वैल्यू होती है, डी की। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, और इधर मैं लगा देता हूँ आपको, एल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी। देखो बी स्क्वायर, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ अच्छी तरीके से, बी स्क्वायर माइनस 4AC की जो वैल्यू होती है वो आपकी डी होगी। देखिए रूट में डी नहीं, आपका बी स्क्वायर माइनस 4AC डी के बराबर होता है, तो उसको मैं रूट डी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अपॉन 2A, दिखने में अच्छा लगेगा फॉर्मूला, छोटा भी लगेगा। और आपको स्टेप वन में ये करना होता है, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, कि इससे आपको पता तो चले कि जो आपके तीन इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि रूट्स रियल हैं, रूट्स इक्वल हैं, कि रूट्स अनरियल हैं। अगर रूट्स इमेजिनरी हो तो आपको उसका आगे रूट्स निकालने ही नहीं है, क्योंकि अगर जब डी आपका आ जाए, जैसे मान लो आप क्या आ जाए √1, तो इसके रूट्स निकल ही नहीं पाएंगे। ये जो हो गया आपका, वो हो गया आपका इमेजिनरी रूट्स हो गए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन पे। तो देखिए कि विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका जो रूट्स आपको कैसे निकालने हैं। ठीक है, रूट्स आपको कैसे निकालने हैं। ठीक है, आपको हम एग्जांपल दे देते हैं। आप देख लीजिए, आपको एक इक्वेशन देखिएगी स्क्रीन पे, जो आपका होगा 3x² लेंगे हम, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। ये आपको दिख गया है ना बच्चों, आपको ये दिख रही हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इसमें आपका 3x² - 5x + 2 = 0। सबसे पहले स्टेप में देखो बच्चों, मैं आपको एक गाइड कर रहा हूँ एज अ टीचर, तो अगर आप स्टेप वाइज लिखते हो तो आपके मार्क्स आने के चांसेस बोर्ड में ज़्यादा होते हैं, और ऑर्गेनाइज वे में, एकदम नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज वे में लिखोगे, आपके कोई नंबर नहीं काटेगा, अच्छे नंबर आएंगे, बिल्कुल बोर्ड में आप फोड़ दोगे। ठीक है, तो स्टेप वन मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। स्टेप वन में आपको क्या करना है, आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का भी तरीका होता है, आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग विथ लिख दे रहा इधर, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से निकालना। ठीक है, अब इसे कंपेयर करेंगे स्टेप वन में, ax² + bx + c = 0। जो ए बी सी की वैल्यू आएंगी वो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें वैल्यू मिली, ए की मिली 3, ए की जो वैल्यू मिली आपको 3 मिली। ठीक है, और आपको जो बी की वैल्यू मिली, बच्चों इसमें आपको साइंस के साथ वैल्यू लिखनी है, नहीं तो आपका डिस्क्रिमिनेंट गलत आएगा, -5 मिली। समझ पा रहे होंगे आप? अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। इसकी वैल्यू +2 मिली। ठीक है, अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। आप देख सकते हैं स्टेप टू में आपका, मतलब स्टेप वन में डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा। ठीक है, आपका स्टेप वन में डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, b² - 4ac। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, डी क्या आएगा आपका, डी आपका आएगा, आप इसका -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, क्योंकि किसी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। -4a क्या है, 3, और सी के 2। तो इधर आप देख सकते हैं आपका जो डी आएगा वो डी आएगा 25 - 24, जो कि डी आ रहा है आपका 1 > 0। तो आप साइड में इधर लिख देंगे ऐसे, देफो करके, देफो रूट्स आर रियल। ठीक है, इतना लिखना आपको, बस आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में लिखना है, कुछ दिक्कत नहीं होगी आपकी। अब डी आपका 1 आ गया, तो रूट्स आर रियल। ठीक है, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने आ रहे थे, डी मिल चुका है। आप स्टेप टू में फॉर्मूला लगाएंगे, दो स्टेप में आपका सोल्यूशन आ जाएगा, 2 या 3 स्टेप लगेंगे हालांकि आपको। तो स्टेप टू में आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई द फॉर्मूला, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसमें बच्चे करते क्या गलती क्या है, इसमें साइन की गलती कर देते हैं बस, और कुछ नहीं होता है। और क्या क्या पता है, बच्चे चेक नहीं करते डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, जो आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इधर दिखा रहा था मैं इन्फॉर्मेशन, ये चेक नहीं करते हैं, इसी वजह से कई बार रूट्स अनरियल आ रहे होते हैं, तब भी वो रूट्स निकालने में लगे पड़े रहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें अप्लाई फॉर्मूला करेंगे, जो होगा α β = -b± √d/2a। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करा, अल्फा बीटा दो रूट्स मिलेंगे आपको इसमें। ठीक है, अल्फा बीटा, ठीक है, -b, देखिए बी में बी की वैल्यू आपकी क्या थी इधर, -5 है ना, और ए की वैल्यू थी आपकी 3, सी की वैल्यू थी आपकी 2। इधर डालेंगे -b, देखिए बी की वैल्यू पहले से माइनस में और माइनस पहले है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, इतना तो आप समझते होंगे, प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि दो रूट्स निकल के आ रहे हैं। रूट डी, रूट डी मतलब रूट डी की वैल्यू क्या है, 1, तो आपका इसका डी का देख लेंगे, √1 क्या होता है, 1, √1/2 × ए क्या है आपका, ए है आपका 3। ठीक है, अल्फा बीटा आपका आया 5 + - √1 की देखो बच्चों वैल्यू क्या होती है, आपको पता होगी वैसे, तो वैसे आपको पता 1 ही होती है, पता होना चाहिए आपको 3 इन्फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे आपको दो साइंस में वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू देखिए एक बार, आपको अल्फा में आपको रखना है एक बार प्लस, और जो ये माइनस है इसमें आपको रखना है एक बार बीटा के लिए। ठीक है, इसे दो वैल्यू निकलेंगी, तो आपका +1 रखेंगे, 5 + 1, तो आपका आएगा 5 + 1/6, जो कि आएगा 6/6 which is equal to 1। तो आपका जो अल्फा की वैल्यू आई वो आई आपकी α = 1। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं बीटा के लिए, इसी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बीटा के लिए 5 - 1/6 जो कि होगा 4/6, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो बीटा आ गया आपका 2/3। तो ये आपके जो बीटा है, अल्फा बीटा आपके रूट्स आ चुके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना, ये आपके आंसर्स हैं। ठीक है, यही अल्फा और ये आपके आंसर्स हैं।
आपका इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है अच्छी तरीके से, सिंपलेस्ट वे में लिख देना है। देखिए आपके रूट्स आपके वो भी आ सकते हैं, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में इसको आपको डरने की बात नहीं है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी, आप देख सकते हैं, आपको फिर से एक बार रिकैप करके दिखा दे रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके इसमें सोल्यूशन आ चुके हैं सारे, आपका एल्फा आया 1 और बीटा आया 2/3, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो बच्चों चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से हम आपको अलग अलग वीडियोस देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से रिलेटेड क्लास 9 एंड क्लास 10 के, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे ICSE बोर्ड हो, ठीक है। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई सजेशन हो, आपको कोई डाउट हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।